group of companies. All of us, I know we all are excited to have them over here. Yes, gentlemen, please come towards the stage. It's a very exciting moment to see them over here. These are the people behind the success of Great Deal Group of Companies. One more time, guys, give a big round of applause to these amazing gentlemen, Dr. Faizan, Mr. Shamshad, Mr. Mukesh Tyagi, Mr. Uruj Ali Khan, we have on stage. Thank you very much, gentlemen. You guys look amazing today, and I must say the crowd was excited to see you guys. Now, ladies and gentlemen, as these people are over here, I request you guys can be seated, all of you. Thank you very much for such a warm welcome. And right now, guys, we would like to give special thanks and warm welcome to Michael from Canada. Can we have Michael? Oh, Michael is over here. Jan from Poland. Marcus from USA. Wow. Nicolo from Italy. Dave from Netherlands. Nicholas from Netherlands. Arnold from France. Vincent from Luxembourg. Emilia from Poland. Wojciech from Guja, Poland. Wow, these are the international guests, you know, which we have at the Great Deal Group of Companies International Business Conclave. Thank you very much to all the distinguished guests. Thank you very much for giving out your precious time to attend this remarkable event. Thank you. Now the time has come that I will be welcoming our esteemed personality to speak few words. Let us welcome none other than the supremely talented Dr. Faizan, the CMD of Great Deal Group of Companies, Eastor India, to speak few words, please. All of you, please give a big round of applause. And Mr. Shamshad Ahmed, Mr. Mukesh Tyagi, Mr. Uruj Ali Khan, thank you very much for coming over here at the stage. It was superbly amazing. Thank you. बढ़िया सर, शेखों के शहर में हम हिंदुस्तानी जलवा बिखेर पा रहे हैं या नहीं? यस यस करो यस। ऑल राइट, सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर हम सब जो बैठे हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, ये अचीवर्स है। और आप सब लोगों के लिए बहुत आता है, पिछले 3.5 ईयर्स, 4 साल होने को जा रहे हैं, अभी 4 महीने कम है, इतने कम टाइम में आपके बिजनेस ने, हमारे बिजनेस ने जो ग्रोथ और जो अचीवमेंट लिया है, इट इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग। और इस सक्सेस को हम एक जश्न के तौर पर आज मना रहे हैं, क्योंकि यहां से एक चैप्टर फिनिश हो रहा है और एक चैप्टर की शुरुआत हो रही है। हमने अपने देश, अपनी माता, अपने भारत को 100% सर्व किया है, और अब उसी फंडामेंटल को, उसी चीज को हम पूरी दुनिया पर लेकर जाने के लिए आज से शुरुआत कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सबसे पहले कल के बारे में पूछना चाहूंगा, कल आपको कॉर्पोरेट ऑफिस का विजिट कैसा लगा? जबरदस्त। सुपरमार्केट की आपने लोकेशन देखी कैसी रही? बहुत जबरदस्त। इट वॉज बिलीवेबल और अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच। किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूं,
और लेवल के वाइज डेजिग्नेशन के वाइज मैं लोगों को इनवाइट करूंगा, आप लोग स्टेज पर मुझे ज्वाइन कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए इस खुशी को। तो इस लिंक को सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनिल यादव, राइटिंग अचीवर, मिस संजना परांजपे, मिस्टर विनायक कृष्ण राव, मिस्टर सरफराज अली, मिस्टर कुलदीप तोमर, मिस्टर ध्यान सिंह मंगारी, क्या बात है क्या बात है, फास्ट। स्कूल में भी पीछे बैठते थे आप? वैसे बैक बेंचर्स जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं कभी कभी। अच्छा वेल डन फ्रेंड्स, दीज आर आइकन्स ऑफ योर बिजनेस, वो लोग जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और भारत देश के अंदर इसका परचम फहराया है। वंस अगेन मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं कि आपकी और हमारी मेहनत से हम आज इस मुकाम पर हैं कि हम अपने देश से 2400 किलोमीटर दूर खड़े होकर किसी दूसरे देश में अपने फ्लैग को सल्यूट कर रहे हैं। जय जय भारत, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सबने हमें ज्वाइन किया, एंजॉय किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत, आपका जो परिश्रम है, ये रंग लाया है। अब सेकंड फेज पर शुरुआत होती है। ऐसे लोग जिन्होंने शुरुआत के बाद हमें ज्वाइन किया और ज्वाइन ही नहीं किया, एक शानदार अचीवमेंट, बहुत शार्प। लेकिन हमेशा क्या होता है, बाद वाले फास्ट होते हैं, तो बहुत फास्ट उन्होंने सिस्टम को जोड़ा और सिस्टम को बनाया। उन लोगों को मैं टीम वाइज इन्वाइट करूंगा, क्योंकि अभी मैंने कंपनी के टॉप लोगों को इन्वाइट किया, अब टीम वाइज इन्वाइट करूंगा। तो सबसे पहले आएंगे मिस्टर शैलेंद्र पेटनेकर, मिस्टर स्वप्निल गावड़े, मिस्टर प्रदीप सैनी, मिस्टर सागर सावड़ेकर, मिस फरदाना, मिस अफसाना, मिस्टर सोहेल, मिस्टर आबिद अली, आप वो लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को कंपनी बनाया है, क्योंकि जो इससे पहले की टीम थी उनके पास सिर्फ विजन था, उनके पास सिर्फ आइडिया था, उस आइडिया को मार्केट में ले जाने वाली पर्सनालिटीज मेरे सामने खड़ी हैं, आप सब इनको देख सकते हैं। किसने क्या अचीव किया है, किसकी कितनी इनकम है, बताने की जरूरत नहीं। मैं यहां स्पेशल अप्रिशिएट करूंगा मिस अफसाना, मिस फरदाना, लीस्ट एजुकेटेड पर्सनालिटीज इन अवर कंपनी, बट द बेस्ट, इन्होंने वो अचीव करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी इनकी पूरी कंपनी होती है उतना तो अकेला इनका बिजनेस है। मिस्टर सोहेल, मिस्टर शैलेंद्र पेटनेकर को मैं याद करता हूं कि जब कंपनी, मतलब लिटरली मेरे पास भी रिसोर्स नहीं था तभी हमारे साथ जुड़े। हम दोनों जब मिले थे तो यह कंडीशन थी, एक बार जब कंपनी की शुरुआत हो रही थी, पहले से भी जानते थे कंपनी, तो इस साइकिल पर आए थे मुझसे मिलने। और आज पेटनेकर जी के पास तीन तीन कारें हैं, वो भी लग्जरी कार, जबरदस्त। ये पावर है आपके बिजनेस की, जो आपके बिजनेस ने करके दिखाया है। प्लीज हैव अ सीट। अब मैं जंबो टीम को और मिस्टर मनीष कट्टी के साथ जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। तुम क्या कह रहे हो भाई? ये भी बजा दो भाई। अरे भाई साहब, यस सुपर, यस कम ऑन। मिस्टर मनीष कट्टी इस कंपनी के लिए एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है।
पहली बार जब हम मिले थे तो ये कंडीशन थी, याद है ना, वो दिन गोपन्ना लेकर आए थे। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं। मिस्टर मनीष शेट्टी ने स्टार्ट किया, इनके सीनियर थे हैं भी अभी मिस्टर गोपन्ना, बट वो वर्क नहीं कर पाए, तो सेकंड लेवल पे इन्होंने काम स्टार्ट किया। लेकिन इस लेवल पे काम किया कि आज तेलंगाना आंध्रा में अगर कोई है तो सिर्फ मनीष शेट्टी है। बहुत बढ़िया। और इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद हमारे अकबर साहब, मोटिन साहब, अजहर साहब हैं, मोहतशाब साहब हैं। अचीवमेंट और इनकम के बारे में तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर महीने का 15-20 करोड़ रुपए INR में इनकम लेने से नीचे नहीं है। 15-20 लाख रुपए या 1 करोड़। ऑलराइट, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन एवरीवन। मिस्टर शिवा, मिस्टर शिवा का नाम रह गया था, मिस्टर शिवा इज देयर। एक पर्सनालिटी और है, अशफाक अली। अशफाक जी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, उस्मान जी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, कुछ इनका वीजा या पासपोर्ट का इशू रहा था। मैं उनकी एब्सेंस में भी उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं। दिल्ली की टीम प्लीज एवरीवन कम ऑन द स्टेज। मिस्टर नितिन कौशिक, मिस्टर गोपाल रावत, मिस्टर राकेश रावत, मिस्टर रोहित जैन, मिस्टर हरीश शर्मा, मिस्टर नवीन, मिस्टर संजीव, मिस्टर मुकेश टुकराल, मिस्टर तरुण, मिस्टर विजय दिखाई नहीं दे रहा लाइट का नहीं। प्लीज, ये मेरे दिल्ली के शेर है, जानते तो सब होंगे। मिस्टर समर अरोड़ा इज देयर ऑल्सो, प्लीज जॉइन अस। ये वो टीम है जिसको कहा जाता है कि ये कर दो, कहते हाँ कर देंगे, टाइम भी नहीं पूछते। टारगेट इनके लिए कंपलसरी, टारगेट अगर कंपनी ने कोई अचीवमेंट दे दिया तो पक्का इन्होंने सबसे पहले अचीव किया है। ये वो टीम है, बहुत बाद में शुरुआत की है महाराष्ट्र के लोगों ने, कर्नाटक हैदराबाद के लोगों ने बहुत पहले शुरुआत की थी, लेकिन ये टीम ने बहुत कम समय में बहुत बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। राजेश जी भी हैं, राजेश जी रह गए थे, आपका सबका क्लियर, सबको हो गए एवरीवन। आप सभी हमारे साथ इस खुशी में शामिल हैं, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी कंपनी आज इंटरनेशनल हो रही है। प्लीज हैव सर, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर जितेंद्र हुड्डा, मिस्टर अनुज, मिस्टर सचिन राणा, मिस्टर संजय सिंह, मिस्टर प्लीज संजय सिंह पूरे बोले। अरे बोले, आप चेहरे से देखते हैं, सबसे छोटे हैं, फिर कैसी बात करते हैं आप। ये बनारस के मीठे पान है, संजय सिंह इनका नाम है। हाँ, ये टीम है, इसमें दोनों भाई साहब खतरनाक वाले कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए साथ बुलाया। लेकिन कॉम्पिटिशन भी इसी सिस्टम में बहुत जरूरी है, लेकिन वो हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप वो कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कौन सा पहले आगे दौड़ रहा है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। लेकिन इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज दोनों टीमें एक साथ ज्वाइंट टुगेदर हैं, एक स्टेज पर हैं, और ये क्लियर है कि हमारी जो भी चीजें हैं वो कंपनी के अंदर है, लेकिन कंपनी के अंदर हम एक ही हैं। और इसके साथ हम ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, हम सब मिलकर आज इस कंपनी को, इस बिजनेस को एक नहीं दो नहीं, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं हर जगह पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव सीट। और कोई रह गया? एनीवन? एनीवन? अरे कर्नाटक में नहीं, वेलकम 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 मिस्टर सागर सोमन्ना, मिस्टर मोरे, मिसेस राउत,
पवित्रा मैम, आर्यन पाटिल जी, हनुमंत अप्पा जी, प्लीज वेलकम। देखिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये आप बाद में बुला रहा हूँ, टीम वाइज बुला रहा हूँ, तो इट्स ओके। आप सबको स्टेज शेयर करनी है, आज सबको सेलिब्रेट करना है अपने आज के दिन को, स्पेशली ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। वेलकम एवरीवन, आप सबकी मेहनत और सबसे ज्यादा एक और चीज है, ये टीम जानते हैं इस टीम की स्पेशलिटी, सबसे ज्यादा जो टेक्निकल झंझट है वो भी यही टीम खेलती है, सबसे पंगे सी टीम को आते हैं किसी को नहीं है ना, तो इन्होंने लड़ लड़ के जितना सीखा है बिजनेस के अंदर, लेकिन 100% दीज आर विनर्स। प्लीज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। मिस्टर शारिक स्टेज पर नहीं आए हैं, प्लीज वेलकम। ये लाइट का शेड आ रहा है ना, तो मुझे हर किसी का चेहरा नहीं नजर आ रहा, आई रिग्रेट। और कोई तो नहीं रह गया, ये हमारी टीम के सबसे छोटे सोल्जर हैं, अफसाना जी के बेटे हैं, शेयर करो। अरे क्या बात, और इन्होंने क्या, मैंने लिंक भेजा, लाइव लिंक भेजा, शेयर करो। बीएमडब्ल्यू बाइक, एस्ट्रो, ओ भाई बाइक, बीएमडब्ल्यू, अच्छा जी, लिंक शेयर किया है। तो ये बाइक कैसे लिया आपने? लाइव का लिंक शेयर किया, किसको आप तो आ उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा मम्मी से, थोड़ा अपने से। तो शारिक जो है राइट हैंड है अपनी मदर के, और जो अचीवमेंट है रॉयल्टी पे पहुंच चुकी है इनकी मदर, जो अचीवमेंट है उसको बहुत बड़ा हाथ इनका है। व्हाट्सएप मदर का होता है लेकिन चैटिया रुख से करते हैं। हाउ द रेस्ट, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। भेजे दोस्तों, और लिंक भेजा है, सो फ्रेंड्स ब्रिटिश को इनको ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं बातचीत। यस सर, जिस बातचीत के लिए आप इतनी दूर आए हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, बिजनेस की शुरुआत ग्लोबल लेवल पर हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं, बहुत सेलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया है, और उसके पीछे एक ही रीजन है कि हम सबसे पहले चीजों को समझें फिर बोलें। व्हाट आई सी, पहले हम समझें फिर बोलें। होता क्या है कि बहुत ज्यादा जब मास को, क्राउड को हम लाते हैं ना, तो वो समझती नहीं, वो बोलना शुरू कर देती है। और देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक किसी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं समझ जाते, ओके नहीं होते, तब तक उसका रिजल्ट आउटपुट नहीं आता है। So, दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे हम यहाँ दुबई में कर क्या आ रहे हैं। कल थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी, बट कुछ लोग नए हैं, तो वी विल अगेन रिपीटिंग दिस व्हाट वी आर गोइंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने व्यापार को, जैसा कि हमने अपने देश में सक्सेसफुल किया है, उसी एक टीम वर्क के साथ इसे दुनिया के हर देश में ले जा रहे, दुबई नहीं, दुनिया के हर कंट्री में लेकर जा रहे, ईच एंड एवरी कंट्री। और इसके लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आर यू विद मी? यस। आर यू विद ईस्ट? यस। ऑलराइट, क्योंकि देखिए कंपनी ग्लोबल हो रही है, तो इंडिया वाले नाम को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी ने फिर यहां प्लान किया कि एक ऐसा नाम लिया जाए जो ग्लोबली अप्रेल हो, ऑलराइट, हर देश में उसको लोग समझ पाए। तो इसके लिए कंपनी ने अपने नाम को अपग्रेड किया है, और द नेम इज ग्रेट डील सुपरमार्केट। अब इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, ग्रोसो क्या है, व्हाट इज ग्रोसो, है ना? ग्रोसो इज अ डिफरेंट कंपनी, जस्ट लाइक इंडिया देयर आर टू कंपनीज, वैदिक इलेक्ट्रिकल एंड एक्सिस इको, सेम झमेला याद भी होता है इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, कि ग्रोसो इज जनरल ट्रेडिंग कंपनी। ग्रोसो कंपनी कुछ ग्रेट डील के सुपरमार्केट को दूसरे कंट्रीज में ग्लोबली ले जा सकते हो। ग्रेट डील का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ? यूएई में हुआ। ग्रोसो किस पावर की कंपनी है? ये पूरे विश्व के हर देश में जाने के राइट्स रखती है, और वहां से ट्रेड करने के राइट्स। ऑलराइट, क्लियर हो गया?
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कल को लोग पूछेंगे वो फ्लैग देखा था उसपे देखिए ग्रोसो लिखा था और ग्रेटली है क्या। ऑलराइट अब नई चीज दुबई में कि यहाँ पर सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट कैसे काम करने है कि यहाँ हम छोटे सुपरमार्केट नहीं बोलने जा रहे हैं। पहले सुपरमार्केट को आपने प्रॉपर्टी लोकेशन सर्वे किया है। इसी के साथ हम जितने भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि दुबई बहुत बड़ा है कम से कम इसमें ही ऑलमोस्ट 10 सुपरमार्केट चाहिए। फिर अबू धाबी है, शारजा है ना, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर इतने बड़े कम से कम 20 सुपरमार्केट फर्स्ट फेज में प्लान कर रहे हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इसी के साथ साथ ग्रोसो भी अपनी फंक्शनलिटी स्टार्ट करेगी और इसका काम क्या होगा, ग्रेट डील सुपरमार्केट की अपॉर्चुनिटी को ईस्ट और इंडिया और वैली कार्पोरेट की अपॉर्चुनिटी को दूसरे कंट्रीज में यह लेकर जाएगी। ऑलराइट, तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कि यहां दो कंपनियां हैं। अगर इंटरनेशनल यूएई में बिजनेस करना चाहता है वो कहां करेगा, ग्रेट डील। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, सिंपल है। इंडिया से भी कोई बिजनेस दुबई में करना चाहता है तो कहां करेगा, ग्रोसो। और अगर दुबई का बैठा हुआ आदमी दुबई में आपका जानकार है और वो बिजनेस करना चाहेगा तो कहां करेगा, ग्रेट डील। ओके फाइन, क्लियर, क्वेश्चन तो नहीं। इनके बारे में जानकारी और अपडेट आपको जैसे मिलते हैं वो मिलते रहेंगे ब्रॉडकास्ट में। इसका अकाउंट नंबर क्या है, ये कैसे है, अभी मैं फंडामेंटल समझाता हूं ओवरऑल बिजनेस का। देखिए आपका जो बिजनेस आ रहा है इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि चैलेंजेस आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, डिपेंड्स अपॉन वेयर यू आर स्टैंड सी। आप देख कहां से रहे हैं और समझ क्या रहे हैं इस पर बेस्ड करता है कि आप उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं चैलेंज मानते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ होती ही नहीं दुनिया में। मेरी अपनी सोच है हर समस्या के 7 समाधान होते हैं। कितने, 7। देयर आर 7 सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम एंड इफ यू अंडरस्टैंड ओनली 3 देन यू विल बी सक्सेसफुल। 7 समाधान होते हैं किसी भी समस्या के। आपको अगर 3 भी पता चल गए तो पक्का आप कामयाब हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये जो चैलेंज है ये है कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ रहे हैं, यही है ना? यस। तो रूल्स आना बुरी बात होती है, अच्छी बात होती है? अच्छी बात, क्योंकि रूल्स बताते हैं। अगर रूल्स आ रहे हैं तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका बिजनेस जिसको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती थी वो बिजनेस एक परफेक्ट बिजनेस है और उसको आज से आपके देश की सरकार मान्यता देती है। ऑलराइट, तो ये सवाल ही खत्म होता है, ये अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम गलत तरीके से करते हैं तो सुधरने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, यही है ना? हम मतलब पूरी इंडस्ट्री, मैं ईस्टोर की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट इंटायर इंडस्ट्री, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो यहां पर हमें यह समझना है कि आखिर क्या होने वाला है 28 मार्च के बाद। यस, यही बात है ना? यस। क्या होगा? यस, सिंगल आईडी रह जाएगी। अच्छा, यस देखिए सबसे पहले आपको बिल्कुल एक लाइन में बात बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस और आपकी कंपनी परफेक्टली गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे पहले से ही काम करती आ रही है। तो देयर इज नो मेजर चेंज रिक्वायर्ड। एक्चुअली प्रॉब्लम आज भी लिटरेसी की है कि हम और आप लोग जो वहां इंडिया में जो बहुत नीचे के लोग, हमारे कॉम्पिटिटर या जनरल इंडस्ट्री के लोग जो आज भी बिजनेस को हमारे देखते हैं वो उनको नजरिया क्लियर नहीं है, उनका वो माइंडसेट क्लियर नहीं है, जिससे कि हमें और आपको मिलकर एजुकेट करना है, समझाना है और ये समझाना है कि देखो तुम गलत समझ रहे हो, कंपनी ये नहीं करती, इस तरीके से करती है, ये अंतर है। अब इस अंतर में क्या होगा ये लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को ऐसे देखें कि 9,000 रुपए दो और कितने मिलते हैं, मुझे तो कैलकुलेशन भी नहीं याद आता कितने मिलते हैं भाई, 29,700। ओ भाई साहब इतने ज्यादा, सच में मुझे भी पता चल जाए ना तुमको कैसे मिल जाएंगे, समझ रहे हैं? एक्चुअल में जब भी ऐसे किया जाएगा तो ये गलत है, दिस इज फ्रॉड, क्लियरली फ्रॉड। क्यों? क्योंकि ये आपने सही से समझा ही नहीं और समझा नहीं तो बताया नहीं, और बताया नहीं तो पब्लिक तो यही समझेगी।
तो इसको बहुत क्लियरली समझना है, रिपीटिंग आई एम रिपीटिंग, इसको जब जब सही से समझा जाएगा। देखिए जो टॉप गवर्नमेंट एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं वो इसको अच्छे से जानते हैं, इस बात को समझते हैं। समझ में नहीं आता हमसे और हमारी लीडरशिप से पूछते हैं, और जब पूछते हैं तो उनको उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है तो सागर भाई क्या होता है, समझ जाते हैं। तो समझ जाते हैं तो चीजें क्लियर होती है, तभी तो आपकी कंपनी सक्सेस है, चल रही है, क्या बोलते हैं। अगर ये एज पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो क्या कंपनी चल पाती, नहीं चल पाती। तो ये एज पर रूल्स रेगुलेशन कैसे सक्सेस है, क्यों ये काम कर रही है, इसके बारे में हमारा आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। हर स्टेज की ये जिम्मेदारी होती है कि हम जब भी किसी स्टेज पे किसी प्रोग्राम में हो तो इस बात को रिपीट करें, समझें कि देयर आर टू कंपनीज, वन इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, दैट्स नेम इज वैदिक आयुर्केयर हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दिस कंपनी प्रमोट्स देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डायरेक्ट सेल and it completes all the rules, regulation, norms of Indian direct selling system. All right. अब दूसरी कंपनी क्या है, Axis Ecom Solutions Private Limited. This is not direct selling company. This is general retail company. It has a great retail community. It is having 700 plus superstore in India. Around 300 something stores are in the process that will be functional around May or June. Till May or June it will be functional. So itna bada system, sale to hogi, kaam to karega, retail business karega, to Vedic IRQ kya karta hai ki in dono ke beech mein ek joint venture program hai, ek participation association program hai ki tum mujhe khoon do, main tumhe aazad.